नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सीधी बात। इस पूरी दुनिया में न जाने कितनी फिल्म इंडस्ट्रीज, उन फिल्म इंडस्ट्रीज में जो फिल्में बनती हैं उसमें न जाने कितने सुपर हीरोज होते हैं, लेकिन आज हम सीधी बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुपर हीरो से जिसने कभी भी स्पेशल इफेक्ट्स की मदद नहीं ली है। स्वागत कीजिए धर्मेंद्र जी का। सीधी बात सीधे आदमी से। सीधे आदमी से, ये बात तो सही है, लेकिन फिल्मी पर्दे पर आज भी जो आप किरदार निभाते हैं उसमें सीधाई नहीं रहती है। वो तो किरदार होता है, अगर किरदार टेढ़ा है तो टेढ़ा होना पड़ता है, लेकिन असली जिंदगी में सीधाई है। हाँ, असली जिंदगी में एक आम इंसान हूँ, खुशी में हंस पड़ता हूँ, दुख में रो पड़ता हूँ, और यहाँ तक कि दूसरों के दुख में भी रो पड़ता हूँ। मैं तो ये कहूंगा सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। यही चीज आपको अलग था, चाहे उस फिल्मी किरदार गुड्डी में सबने देखा कि कैसे एक एक्टर का किरदार भी निभाते हुए लेकिन एक आम लड़की की मदद कर रहा है एक व्यक्ति, असली जिंदगी में भी आपके ऐसे किस्से कम नहीं है, आपको अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा है, ऐसे अगर रियल लाइफ कैरेक्टर मिले तो खुशी होती है। अरे, उसमें बड़ा नॉर्मल होकर मैंने जय का जो कैरेक्टर था सबको बड़े ठीक ढंग से कहा है, नहीं उसमें भी लगा कि मैं एक आम आदमी बन के ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन वो क्या है कि एक्टर का एक इम्पैक्ट रह जाता है। उस फिल्म की रिलीज के बाद मैं बाहर निकला तो लड़कियाँ, मैं भी गुड्डी हूँ, मुझे भी ऑटोग्राफ दो। उतना असर हुआ नहीं जितना मैं करना, जानबूझ के बैडमिंटन हारा, ये किया वो, बट वो असर नहीं होता। लेकिन वो कैरेक्टर पता नहीं, मैं दादा ऋषिदा ने, मैंने कहा कई हीरो कहते नहीं धर्म तुम्हारा जो है अच्छा लगेगा, मैं चलो मजे ले लो। लेकिन ये देखिए, हम उतना पीछे जाएं उससे पहले जरा आज की बात कर लेते हैं, यमला पगला दीवाना फिर से जी। उसमें आप डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं लोग, कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। मैं कहता हूँ डांस हो जाता है, किया नहीं जाता। लेकिन रेखा जी के साथ एक बार फिर उस गाने में बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा शूटिंग के वक्त कि हम लगातार शूटिंग करते ही आ रहे हैं, कोई गैप नहीं आया। कुछ हमारे जो पहला दौर था, जब तक हम घुल मिल नहीं जाते थे मज़ा नहीं आता था। और मैं तो खास तौर पर यू नो एटीट्यूड, लव बिगेट्स लव, इमोशन बिगेट्स इमोशन, तो मेरा सबसे रवैया हमेशा ऐसे ही रहा है। धर्मेंद्र बनकर ही एक्टर बनकर नहीं, वो अच्छा है बुरा है गुस्से वाला जो है, तो मिले तो सब अच्छी तरह मिलते हैं। मज़ा आया उस दिन हम दोनों को शूटिंग करते हुए, शत्रु था ये था, तो सनी कहता ये केमिस्ट्री कैसे है आप लोगों में। मैंने कहा केमिस्ट्री नहीं, ये कुछ ओरिजिनली कुछ है, कुछ ऐसा नहीं, तो अगर ऐसा हो तो बात बन जाती है। हाँ। अच्छा लगता है, फिर ईजी हो जाता है, काम करना भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने आप मिला आज, मैं आपको देखता रहता हूँ, तो आई हैव सम फीलिंग अबाउट यूर कैरेक्टर व्हेन यू आस्क क्वेश्चन व्हेन यू गो हियर एंड देयर, ऑल एडवेंचरस भी हैं आप। आपको इतना समय मिल जाता है, मुझे नहीं, कभी, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप सिर्फ देखते भी हैं मेरी न्यूज़ को। हाँ, मैं देखा आपको देखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अब बहुत सारी कहानियाँ होंगी ना धर्म जी, जो आपको लगता होगा कि ये तो मैं इतनी बार सुना चुका हूँ, लेकिन लोगों को कभी भी ये थकान नहीं होती आपकी बातों को सुनने से, इसीलिए मैं वो चीज़ें भी आपसे पूछूंगी जो कई दफ़ा आपकी ज़ुबान से सुन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दिल करता है कि सुनूं। ये जो इस गाने में आपका डांस इसीलिए स्पेशल लग रहा है क्योंकि जब ओरिजिनल में जट यमला पगला दीवाना, उस समय आपने डांस सीखने की कोशिश की थी ऐसा बताया गया था। हाँ, कोशिश की थी, मैं इसको सीख तो नहीं पाया, लेकिन गोपी कृष्ण थे हमारे कोरियोग्राफर, यमला प्रतिज्ञा पिक्चर थी हमारी, तो ये मैंने कहा यार मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, थानेदार बना हुआ हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ थानेदार की, तो मुझे छोड़ दो, मुझे रिदम मजे में जितनी है मैं कर लूँगा, बाकी मैं लाइनों को फील कर लूँगा। इस लाइन का मतलब ये है, उसमें फिर वो जुल्फों के घूमर में छुपाती ना, ऐसे भाग जाती ना। हाँ। मेले में अकेले से वो सारे लाइनों में फील कर लेता हूँ, तो गाना इट सेल्फ इट बहुत अच्छा हो गया था वो, तो उसी गाने उसी
जो तोहफा हमें रफ़ी साहब दे गए उसी तोहफे को हम दोहराते रहते हैं टाइटल देकर, तो लोगों को पसंद आया था, जो चीज़ पसंद आ जाए उसको फिर रिपीट करने की कोशिश करते हैं। डांस में अपना फील डालते हैं आप, ये भी कई दफ़ा बताया जाता है कि आप अपनी डायलॉग्स में अपना फील एक डाल देते थे। वो पानी टंकी के सीन में सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन था आपकी तरफ से? कई सीन उसमें कुछ कहाँ कोई आशिक मरता, वहाँ कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, सोखा चेचक वो सब ऐड हो जाती हैं मेरी तरफ से। और इसमें ख़ास जो लुत्फ वाली बात थी वो थी जी जी। अब हम घरों में भी जब माँ कुछ डांट देती तो जी जरा मस्के वाली बात, हाँ आ रहा हूँ मौसी जी, और जी लगाने में बात बन जाती है, वो एक्टर के अंदर होता है। आई लव कॉमेडी, तो उसमें बहुत इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है। हाँ। कई दफ़ा तो मैं ऐसी लाइन बोल जाता हूँ, सामने वाला विनोद खन्ना पाजी अब क्यू दे देना, एंड में आपका क्यू नहीं मिला, मैं यार सॉरी मैं वो लाइन भूल गया, फिर क्यू देने के लिए ठीक करता था। हाँ। तो क्या मैं बस इनमें से कोई एक ऐसा क्रिएशन आपका है जो आपको सबसे अच्छा लगा कि हाँ मैंने ऐसा बदल दिया था इसको? ऐसा क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगेगा हमेशा कि ये डायलॉग राइटर ने लिखा था अपनी तरफ से या डायरेक्टर ने अपनी तरफ से कहा होगा। अभी ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आएगा, वो चलता रहता है, अभी ऐसे लगता है कुछ और करना चाहिए। यानी कि एक मल्टी स्टारर फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आती होगी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं और ज़्यादा? नहीं ऐसा नहीं, अभी मोस्टली शुरू की सब पिक्चरें मेरी सिंगल हीरो आती थी। और ऐसी ऐसी जो आपकी एक्टिंग का लोहा मनवा गई, ऐसा नहीं है कि एक ही मैन के तौर पर अगर आ रहा है कोई हीरो तो वो सिर्फ अपने शरीर के लिए अपनी बॉडी के लिए जाना जा रहा है, बल्कि मैंने शायद मेथड एक्टिंग नहीं की कभी जिंदगी में, मेथड एक्ट आती नहीं है, मैं नेचुरल पर्सन, नेचुरल मेरे में। अगर मैं उसमें कुछ एक मुख्तलिफ कर सकूँ एक दूसरे से तो एक बड़ी बात होती है, दिस इज एन अचीवमेंट व्हाट आई फील, कुछ सीखा मैंने। एक्टिंग तो मैंने हमेशा कहता हूँ मेरी महबूबा है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, आई लव इट। अभी इतने सालों से 50 साल से भी ज़्यादा हो गया, कभी ये रूठ जाती मैं बना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ ये बना लेती है, चलता आ रहा है। तो इसमें हर तरह की कॉमेडी के भी इतने, अभी चुपके चुपके की कॉमेडी और थी, प्रतिज्ञा की कॉमेडी कुछ और थी, शोले की कुछ और थी, सब सारी फिल्में लेजेंड बन गई हैं। हाँ जी, लोग एक्टर्स लेजेंड्स बनते हैं, आपकी तो फिल्में लेजेंडरी हो गई जी, जी। तो इस तरह से कुछ क्या, मैं जज्बाती इंसान हूँ और एक्टिंग मेरे लिए इट्स नॉट एक्टिंग, इट्स रिएक्शन। अभी आप, मैं बात कर रहा हूँ जो आप मुझे देख रही हैं, यू आर रिएक्टिंग टू मी, आई एम रिएक्टिंग टू यू। तो जज्बाती इंसान जो होता है रिएक्ट फास्ट कर जाता है, किसी ने प्यार से बोला तो उसमें हाँ जी 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 बिल्कुल नहीं नहीं वो ही वो, किसी को चोट लगी तो अरे अरे इसको संभालो यार, किसी ने कुछ बोला तो वो भी हो जाता है, तो दे रिएक्ट फास्टर। फिर उसको कितना बैलेंस करना है अपने किरदार के हिसाब से वो मैं कर लेता हूँ। मैं किसी स्कूल में नहीं गया, कहीं नहीं गया, एक्टिंग तो कुछ अंदर ही दिया हुआ है। हाँ पिक्चर देख के कुछ लोगों को देख के लगा था ये कौन लोग हैं यार, इनके जाना ये तो हम मेरे या मैन जैसा ही या ये मेरे जैसे हैं, कुछ तो है इनके साथ मिलना चाहिए जाकर। तो इस तरह से एक पैशन, एक इबादत थी मेरी टू बी एन एक्टर। लेकिन इसी सब के बीच एक आपका पॉलिटिकल करियर आया। हाँ। जो लगा कि शायद बाय एक्सीडेंट आ गए या फिर आने के बाद लगा कि नहीं अब वापस नहीं लौटना यहाँ पर। मुझे क्या ना कहते हुए बहुत टाइम लग जाता है, कई लोग होते हैं नहीं तो ना कर देना, मैं हाँ ना में फंस जाता हूँ। दो दफ़ा मैं एयरपोर्ट से वापस गया हाँ करने के बाद भी। अच्छा। हाँ एक दफ़ा तो मैंने बाथरूम में शीशे में मेरा सर मारा, मैंने क्यों चला जा रहा हूँ मैं, फिर किसी ने कह दिया देखो तुम इसलिए अच्छे आदमी की ज़रूरत है यहाँ, मैंने पढ़ा था कहीं गेम ऑफ स्कॉन्ड्रल समथिंग ऐसा कुछ। हाँ। पढ़ता था तो मैंने कहते अच्छे आदमी आएंगे नहीं तो क्या होगा, तो मैंने कहा शायद मैं ही अच्छा जाके मैं हिंदुस्तान का भला कर दूंगा, जाके सारा कुछ मैं ही संभाल लूँगा, मुझे आई विल अरेंज। दूसरा था हमारे वाजपेयी साहब जी,
उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा, धर्म तुम आ जाओ। तो वो एक लफ्ज मैं नहीं रहा गया मुझसे, मैं आ गया। और फिर यहाँ श्रिया ना मुझे फिल्मों में लेने आया ना यहाँ। 5 साल में मैंने इतना काम किया है बीकानेर के लिए। वहाँ जब कंपेन के लिए गया था तो लड़कियों ने, औरतों ने अपनी चेन मुझे दे उतार के डाल दी। इतना इतने मुझे ऐसे लगा है यो दे में लौट, मेरा इतना प्यार इतना ख्याल रखी है। सब आदमी भी बुजुर्ग भी आते थे, वो 100 का नोट भी जेब में डाल के चले, जैसे शगन दे के सर पे हाथ रख के। तो वहाँ के 50 साल से कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ 2-3 मुद्दे थे और ये मैं कर दूंगा नहीं की थे। और तो मैंने अपनी सीएम साहिबा से कहा कि ये मैं आया हूँ, ये मुझे करना है, आप मेरा साथ देंगे। हमने पहले सोचा था सेंटर में भी बीजेपी आएगी, वो हार गए थे तो, लेकिन इन लोगों ने भी बहुत हेल्प किया मुझे। तो वो तीनों चीज़ें मैंने की, उसके अलावा बहुत किया, लेकिन कोई किसी ने जाके वहाँ नहीं कुछ मेरा किसी ने बताया नहीं, मीडिया ने भी हेल्प नहीं की मेरी, किसी ने भी। ये उल्ट छोटी सी न्यूज़ के धर्मेंद्र गुमशुदा है, अगर नहीं गए तो गुमशुदा हो गए। बुराई को तो झट से लाश करते, अच्छाई को पकड़ते नहीं, कभी किसी ने नहीं पकड़ा। और मैं सबका हूँ। पॉलिटिक्स में जाके फिर आदमी बट जाता है, दूसरे कुछ लोग नहीं अच्छा समझते। तो एक जगह ऐसा मकाम जहाँ सब कुछ मिलता है, बेपनाह मिलता है, उसमें वो त्रुटि आ गई। और ये मैं थिक स्किन लोगों का काम है, आई एम नॉट दैट। आपने कहा वाजपेयी जी की बात नहीं टाल पाया। नहीं पाया नो। आपको बहुत पसंद थे राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर? मुझे उनके व्यक्ति उनके बहुत अच्छे लगते थे। मुझे एक लीडर के अलावा अच्छे इंसान बहुत अच्छे थे। और बात छोटी सी बात को ऐसे कहे जाते थे टक से कि दूसरे को हिला देते थे, और ना कहते हुए कह जाते थे वो। और वो दृढ़ता से उसमें दृढ़ता होती थी कि कर ये होना ही चाहिए, मतलब ये ऐसा कहेंगे लाइट, मगर उसको होता था कि दिस शुड हैपन, मामूली सॉफ्ट में हमें हो जाना चाहिए। ये उनका मतलब ये था ये होकर रहेगा, आप करना होगा। गुड बाय, आई वॉज रियली अपसेट। अब ये जाना तो सबको ही है, लेकिन उस दिन मैं बहुत उदास हुआ था, जैसे कोई भाई बड़ा भाई। वो सबको मिलते थे, हाथ मिलाते थे, मैं जाता था उठकर मुझे मिलते थे, मुझे गले लगा कर, धर्मेंद्र धर्म आ गया। तो एक मुझे तो छोटी इमोशनल बात से ही मैं तो बहुत इमोशनल आ गई। तो प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान थे। वो कविताएं लिखते थे? हाँ जी, आप शेर व शायरी लिखते हैं? जी हाँ। आपकी किताब भी छपने वाली है? नहीं, किताब तो नहीं, मैं थोड़ा सा सुस्त आदमी हूँ तो मैं इसको शायद पिक्चराइज करूँगा श्वेता। अच्छा। तो इसको विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, क्यों ऐसा महसूस हुआ, तो उस ढंग से मैं इसको करूँगा। और मेरी ये शायरी जो है, नहीं है कि हम बड़े बड़े शायर पढ़े हैं, बड़े नामवर, मैंने पढ़ा तो ज़्यादा नहीं, चखे सब हैं। उस चखने में जो मुझे थोड़ा लज्जत आई है, उसके जायके से ही मेरे अंदर कुछ हो गया। ना मेरे पास हाफिज़ा इतना कि उनको मैं जमा कर सकूँ, ना मेरे पास हाजमा है कि उनको हजम कर सकूँ। तो मेरे कहते हुए भी शायरी। हाँ, तो मेरा तो अपने अपना ढंग है। तो कुछ मैं सुना सकते हैं हम? हाँ, सुना सकता हूँ, क्यों नहीं। तो पहले तो मैं ये कह दूँगा कि शायरी मेरी, बात ये दिल की तेरी मेरी, जिस दिल ने सुनी उस दिल ने कहा, कब इसने सुनी चुपके से कह दी। दिल की हर दिल को छू गई, दिल ने दिल से जब भी दिल की कह दी। तो मेरी शायरी ऐसी लगेगी कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहे कि धर्मेंद्र अपनी बात कर रहा है, लगे ये मेरी बात कर रहा है। यही तो दिल को छू जाती है। वो तभी छूती है, तभी बात बनती है। तो ऐसे बहुत से हैं, जैसे हमारे दूसरे भी कई चीज़ें लिखता हूँ, जैसे इंसानियत को मैं बहुत महत्व देता हूँ। इंसानियत हो, अच्छे इंसान है तो आप सब कुछ हैं, आप अच्छे इंसान नहीं तो कुछ नहीं। सच्ची मुझे दुख भी होता है, बट आई कांट
गो विद एवरीबडी, आई कांट टेक एवरीबडी विद मी, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा हमारी तादाद कम है। तो इसमें एक आप कदर और तारीफ में फ़र्क देखिएगा कि होती है तारीफ अहमियत की, VIP होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। वाह। तरजीह ना दे ओहदे को इंसानियत पर, बंदे पे खुदा की तब नजर होती है। वाह, अद्भुत लाइनें लिखी हैं। गजब की बात है, क्या गहराई है। मतलब मैं तो इंतजार कर रही हूँ आपकी मैं बहुत ऐसे कई कुछ लिखता हूँ, नज़में लिखता हूँ इन्फैटुएशन पे जब हम छोटे। तो ये शायर सोया हुआ था? नहीं, कुछ अचानक कभी कोई ऐसा होता है, कोई दर्द पे जरा ज्यादा चोट लगती है तो हाय निकलती है जी। उसको हाय को अगर कोई सुने ना कही जाए तो उसको लिख लेना चाहिए। तो इसमें मैंने लिखा, मैंने एक शेर सुनाया ऐसे बैठे बैठे, किसी को बताया नहीं था जी। कि दिल का बोझ न बन जाए उन पे बोझ, हल्का करने से डरता हूँ। दिल का बोझ न बन जाए उन पे बोझ, हल्का करने से डरता हूँ। आह ना सुन ले कोई शिद्दत दर्द, फकत जब से बयां करता हूँ। वाह। तो सब ने ऐसे ही कहा, वाह कलाम किसका है, किसने लिखा है, क्या लिखा है, कौन है। तो मैं ऐसे हो गया, तो मैंने फिर कहा, सोचा, उसको मैंने बाद में लिखा है कि सोच में सवाल के उनकी, शेर ये कतन मेरा ना था, कर खारिज नाम अपना, मैंने भी शेर गैर के नाम कर दिया। वाह वाह वाह, पता नहीं सब समझ पाए कि आपका था। हाँ, फिर वो आस्ता वो समझने शुरू हुआ, भाई बाद में बताऊंगा, एंड में समझेंगे जी। लंबा है, ज्यादा टाइम तो नहीं आपका जाया हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आप ही से सीधे बात करने के लिए आए। लेकिन कहते हैं कि जो शायर होता है उसके दिल में कोई दर्द होता है, इस वजह से वो शायर। आई थिंक दर्द से ही शुरू होता है। आपके दिल में भी दर्द? नहीं, दर्द क्या होता है, सारे जहाँ का दर्द मेरे दिल में है। आप भी अच्छी रहे, ये भी अच्छा रहे, कहीं दुख ना हो। अगर आपके आसपास खुशियाँ हैं तो आपकी खुशी का मज़ा है, आपके इर्द गिर्द चीखें हैं तो आप खुशी नहीं मना सकते। तो मैं सबके लिए, सब इट्स यूनिवर्सल, सब खुश रहे। सारी दुनिया बन जाए को कुनवा, एकता की हसरतों का अरमान होना, मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक बरदान हूँ मैं। जो मैं मेरा तारुफ है कि मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक बरदान हूँ मैं। महान माँ की ममता, अजीम बाप की शफ़क़त का, अजीम व शान एक एहसान हूँ मैं। और दुनिया सारी बन जाए कुनवा, एकता की हसरतों का अरमान हूँ मैं। मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत। सॉरी, आप मेरे ख्याल टाइम कम नहीं, है। ये हिंदी के शब्द भी आ रहे हैं और उर्दू भी आ रहा है। हाँ, और ये मिलकर जो हिंदुस्तानी के शेर बन रहे हैं, ये गजब के हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कहीं पर, जैसे आपकी जिंदगी बहुत लोगों के लिए मिसाल बन गई कि किस तरीके से एक आउटसाइडर आकर उसने स्ट्रगल करके अपनी जगह यहाँ पर बनाई थी। वो दौर भी याद रहता है, वो कहीं पर आपके दिल में, दिमाग में, जहन में जिंदा रहता है? कौन सा दौर? संघर्ष वाला दौर आपका, शुरुआती दौर। संघर्ष का दौर को मैंने मजा लिया है। संघर्ष के पहले का दौर याद आता है। हाँ। वो तस्वीरें जो मैं बना खिंचवाता था एक्टर बनने के लिए, जो तड़प थी, बेचैनी थी, यार एक्टर बनना है, पागलपन था, उनसे मैं कहता हूँ यार तुम एक्टर बन गए हो धर्मेंद्र। तो मैं सोचता हूँ वो उसमें जान आ जाए और सुन ले उस खुशी, उसके साथ बांट लूँ। हाँ। वो फील होता है। उस स्ट्रगल के दिनों को तो मैंने हर मुश्किल को हंसते हुए लिया है। ऐसी ऐसी मुश्किलों से गुजरा हूँ कि शायद भाग जाएं लोग। तो मैं एक वो जाट का दृढ़ इरादा लेके आया था और मन के जाऊंगा, अभी जाऊंगा नहीं। और मुझे क्या सेल्फ एनालाइजेशन होनी चाहिए इंसान को इतना, अगर मुझे अंदर से, मुझे आत्मा से बताया था कि तू बन सकता है। और दूसरा, मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं मैंने छोड़ी कभी, कि मैं घर में बड़ा था, माँ बाप को संभालना है, बहनें हैं, भाई हैं, तो सभी जिम्मेदारियों को लेके भी मैं ये करता है। यहाँ तक कि मैंने जब पहली फेट ली 18,000 में,
तो मेरा भाई अजीत कहने लगा, पाजी वो हैरन ले लेते, वो तनुजा के पास है, अच्छी लगेगी एक्टर को। मैं कहा अजीत देखो, कल यहाँ इस लाइन का भरोसा नहीं, कल हमें मुझे जाना तो नहीं, मुझे यहाँ से अगर स्ट्रगल करनी पड़ी तो मैं इस फीएट की टैक्सी बना लूँगा, टैक्सी बना के चलाऊँगा, काम करूँगा, फिर स्ट्रगल करके बन जाऊँगा। तो इस सोच के मैं चलता था हमेशा, चादर से ज़्यादा पैर नहीं फंसा रहे। सीधी बात, हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो अपने किरदारों की वजह से नहीं, अपने व्यक्तित्व की वजह से हम सबके दिल में बसता है। लेकिन अब सिर्फ धर्मेंद्र जी नहीं बल्कि उनकी सुपर फैमिली, जिसके लिए हमने कहा था, वो हमारे साथ है। आज के दौर में बहुत सारे हीरोज को हम देखते हैं शर्टलेस होते हुए, अपना शर्ट लूज करते हुए स्क्रीन पर। शुरुआत तो आपकी ही रही है। हाँ, शुरू तो मैंने की थी, वो लकीली बन गया। मैं क्लब से दारू पी के आ रहा हूँ, वो शीशे से पी, पैमाने से पी गाना था, तो बाहर लीला चिटनी से एक बैगर थी, तो मैंने रलन, ओपी रलन से कहा, रलन अगर मैं शर्ट इस पे डाल दूँ, इट विल ऐड टू माई कैरेक्टर, ही इज खुदा तरस है, सबसे प्यार करने वाला है। बोले मेरा तो सीन बन गया। मैंने कहा सीन कैसे बन गया? मैंने बोले दैट विडो इज, शी इज वेटिंग फॉर यू, एंड अब दारू पी के तुम जा रहे हो, बेयर बॉडी, कुत्ते के साथ लिपट रहे हो, ये कर रहे हो, शी मस्ट बी मोर, इट बी मोर स्केरी नाउ। तो फिर वो फिल्म में वाकई उसमें चार चांद लग गए उसी वजह से। और आई रिस्पेक्ट दैट लेडी, उसको, शी इज़ ए विडो। तो मैं जाता हूँ उसको कंबल उड़ा के बाहर जाके लेट जाता हूँ। उस शर्ट ने बहुत अच्छा सीन बना दिया था। तो तब बॉडी भी ठीक थी, मैं कबड्डी का प्लेयर था। नहीं नहीं, उसके बाद ही तो शुरुआत हुई है, नहीं तो हीरोज को कभी कहाँ माना जाता था कि अच्छी बॉडी होनी चाहिए। आज देखिए आपकी विरासत आपके साथ है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक परिवार में सारे के सारे हिट हीरोज बैठे हुए हो, अदरवाइज बैलेंस नहीं बनता ऐसा। लेकिन जो रिश्ता है आपका, वो वाकई एक पर्दे से हटकर जो आम लोगों के लिए मिसाल बनता है, वो एक रिश्ता भी बनता है कि भले ही फिल्म में कितने भी हिट हो गए हो, लेकिन बाप से डरते हैं अभी भी। डरते हैं? डर मतलब एक रिस्पेक्ट होता है पापा के लिए, और ऑब्वियसली वो डर ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज हमेशा मुझे तो हमेशा लगता था कि मैं कुछ शरारती था, बहुत चीज़ें करता था, तो सोचा कहीं पापा को पता चल गया होगा तो शायद उसकी वजह से मुझे आज डांट पड़ेगी। उन्हें कुछ नहीं पता होता था, लेकिन उसकी डर की वजह से आदमी छुपा रहता था। मैं नहीं डरता पापा से, इसीलिए बीच में बैठे हैं। नहीं, पापा कहने में डर है। मैं मस्ती कर लेता पापा के साथ। कहता नहीं मस्ती है, डर है। लेकिन कहता नहीं है। लेकिन डर तो ये मजाक की बात है, लिहाज है डर। हमारा पापा से ज्यादा डर मुझे मम्मी से लगता था। अच्छा, मम्मी हमेशा डरा के रखते थे हमको कि पापा गुस्से हैं, और पापा के पास जाते थे, पापा को पता भी नहीं मम्मी की हुआ क्या है, पर मम्मी के पास उनका यही था कि पापा गुस्सा है तो बॉबी मान जाएगा या भैया मान जाएगा। अच्छा, यही रिश्ता कारण है कि यमला पगला दीवाना एक फ्रेंचाइजी के तौर पर इतने दिन से हम देख रहे हैं, और जब भी लौटता है तो कोई ना कोई नया एंटरटेनमेंट। हाँ, वही है बेसिकली, यू नो द काइंड ऑफ, जिस तरह से हम लोग आपस में हैं, और जब कैरेक्टर्स पोर्ट्रेट करने जाते हैं तो उसके अंदर एक अपनापन भी आ जाता है, शरारत भी आ जाती है, और ऑब्वियसली इमोशंस भी आ जाते हैं उसके अंदर, और होती है कंप्लीट एंटरटेनर बेसिकली। मैं कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस आप सबको के सामने रखना चाहती हूँ, आप तीनों को, और इंडिविजुअली मैं तीनों से जानना चाहती हूँ, आपस में क्या एक सिमिलैरिटी लगती है? वी आर डाउन टू अर्थ, वी आर फ्रॉम द विलेज। हमने वो रूट्स नहीं छोड़ी, हम बॉम्बे में रहकर भी हमें वो तहजीब व तमद्दन जो माँ बाप ने मुझे सिखाया था, मैंने इन्हें सिखा दिया। तो वो चल रहा है, दैट इज़ द कॉमन थिंग, बराबर यू से। तो वो हमारे अंदर एक रच गया है हमारे फैमिली, आगे इनके बच्चे भी वैसे ही हैं। अच्छा, देख रहा हूँ वो संस्कारों के साथ पूरा। कि हमारा इज्जत करना, लड़की की, औरत की, बहू बेटी की, लिहाज, जो हमारा तहजीब थी वो बहुत खूबसूरत है। तो हम तो, मैं उतरता था स्टेशन, वॉलीबॉल खेल के स्टेशन पे जाना एक रिवाज हो गया था, तो वो भाई धर्म धर्म ये गठड़ी उठा लेना मेरे बच्चे को ले ले, तो मैं लेके घर छोड़ आता था। तब ऐसा सिस्टम था, इतना प्यार था आपस में, बेपनाह एक अपनापन था गाँव के लोगों में। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ बहुत बहुत कुछ बदल गया है,
वो ही संस्कार जो मुझे माँ बाप ने दिए वो इनके पास भी हैं, संस्कार सिमिलरिटी है। डेफिनेटली आई मीन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर अपब्रिंगिंग, और जो हम हैं अगर लोग हमें पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग हमको जो मिली है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, जो भी मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई होल फैमिली, फ्रॉम डैड मॉम चाचा चाची दादा दादी everyone, you know, मुझे लगा था कोई तो फिटनेस के बारे में बोलेगा। फिटनेस के बारे में फिटनेस तो मैंने अभी जाके शुरू की है, थोड़ा टाइम लग गया था। अब सबका अब 2.5 किलो से ज्यादा भारी हाथ किसका रहेगा, तीनों में सबसे भारी हाथ किसका रहेगा? पापा का ही हमेशा रहा है। हां तो मेरा दादाजी से देखो ना इतना बड़ा हाथ है, हमारे हाथ तो छोटे हैं छुप जाते हैं। वो तो कुदरती पता नहीं है, ये मैं और दादाजी की फोटो छपी थी, मेरी बालिश उनसे थोड़ी बड़ी थी, बताओ दारा जी क्या। अच्छा तो ये और कम से कम 2 लोगों में एक सिमिलैरिटी तो डांस हो जाती। हाँ नहीं इस तरह से तो हाँ बट बॉबी फिर वैसा नहीं। डांस को हम शेर समझते हैं कि शेर छोड़ दिया गया अगर उसको काबू कर नहीं, नहीं शेर को मार लो नहीं तो शेर मार देगा। तो मैं तो शेर को मारता था कोशिश, इसको मार दो शेर को। ये बीमार हो जाते शूटिंग होती जब गाने की। हाँ। तो अगले दिन मालूम है पहले दिन तो कैंसिल होने वाली शूटिंग। सच में यार शूटिंग जब भी गाना होता था तो पहले दिन मैं आता था, मैंने देखो मैं बैठ के देख रहा हूँ मेरे से कुछ करवाना हो आप लोग करते रहो। फिर आप कहाँ से अलग निकल गए? पता नहीं कहाँ से अलग निकला है, मेरे को शौक था, आई यूज़्ड टू लव बचपन से, इसको फ्रीडम थी थोड़ा आना जाना। होता है किसी को शौक होता है किसी को नहीं होता, घर में मेहमान आते हैं तो सोचते बॉबी डांस दिखा। और वो इतना बोरिंग कर देते हैं, अच्छा राइम से ना बच्चे वो भी खड़ा हो जाएगा, हम थक जाते हैं सुनने में हारे भजन चोना 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 हम कर सुना तू भी सुना मर गए यार बस करो। तो धर्म जी की कौन सी एक ऐसी फिल्म जो तीनों की फेवरेट हो? आई थिंक प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा एंड फूल और पत्थर एंड देयर सो मेनी एक्चुअली। हां इसीलिए मैं कीप ऑन टेकिंग नेम्स। तो आसान सवाल थोड़ी होता है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मेरे माँ बाप को मार दिया था पुलिस वाले को डकैत ने और मैं रिवेंज पे निकला हूँ। और थ्रू आउट द माई जर्नी मैं लोग हंसते गए, मैं नहीं हंसा रहा था, मेरा किरदार जो था मेरा जो रास्ता था उसमें सिचुएशन ऐसी थी, उन सिचुएशन को मैं जी गया, आई लिव दोस, आई एडेड सम फ्यू थिंग्स इन दैट। वो एक जगह हिरन पूछती है थाने साहब ये बंदूक क्या हमने पहले देखी नहीं कभी, तो LMG थी तो मैंने कहा तो उसमें भाव खाने के लिए बड़े राज की बात है हम बताते नहीं किसी को तुम्हें बता देता हूँ, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक मर्सिडी बंदूक, मर्सिडी बंदूक ट्रक वाला मर्सिडी बंदूक मर्सिडी बंदूक होती है ट्रक वाला भी तो ऑटोमेटिक मालूम था उसको, तो ऑटोमेटिक मर्सिडी बंदूक क्या क्या निकल गया, तुमने पुलिस का डब्बा क्यों उड़ाया, गैर कानूनी बात की है, तो सारी ऐसी चीजें मजा आता था। और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, दुलाल बुआ वाज वन ऑफ द फाइन डायरेक्टर। अच्छा ये आपकी फिल्में जो होती हैं आप लोग तीनों जिसमें रहते हैं हमेशा, क्या माहौल क्या रहता है आप लोगों को ऐसे बात करते हुए देखकर, और जो सब दर्शक हमारे देख रहे होंगे उन्हें भी लग रहा होगा कि क्या शूट के दौरान भी सीरियसनेस रहती है उस समय कि नहीं हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? हाँ नहीं उस वक्त ऑब्वियसली हम वी आर सीरियस ऑन द सेट बिकॉज वो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, बट जैसे डायरेक्टर चाहता है उसी हिसाब से हम लोग होते हैं। अबाउट द सीन यू आर आस्किंग माहौल अब की बात और हमारे वक्त में तो माहौल और था, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, मुझे देख के लोग इवन डांसर गर्ल्स बॉयज फाइटर्स सब पाजी हैं यार मज़ा आ जाएगा आउटडोर मज़ा आ गया, कि मैं शाम को उनके लिए मुहैया करता था और बैठो गप्पे उनसे गाने सुनने आई यूज़ टू एंजॉय। और रात को डराना किसी को, एक कमरा था अकेला उसमें हमने किसी को मत सोना ये भूत है यार सुना है, तो ना हम नहीं डरते जी भूत से हम क्या डरेंगे, दो थे उनको भूत के
और रात को गए तो हमने मैंने भूत वो आवाज़ बना के पास जो चिल्लाया मैं तो उनकी हालत ख़राब, मैंने देखा खिड़की में से तो चारपाई के नीचे थे दोनों और एक कुछ जपजी साहब का पाठ कर रहा था, तो मैंने कहा यार कहीं कुछ हो ना जाए, मैं अपने नौकर से कहा जब भंवरलाल बुला ला उनको तो ऐसा कुछ आवाज़ें आ रही थी, उसने दरवाज़ा खोला और सबसे पहले मेरे पास तो इस तरह की मैं तो आई यूज़ टू एंजॉय लॉट और भी सब एवरीबॉडी। अच्छा मैं कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी, क्या कोई एक ऐसी एक्ट्रेस है जो तीनों को पसंद है? तीनों के खिलाफ कैसे पसंद हो सकती है? छोटे हैं मुझसे आज भी मधुबाला जी को लोग मधुबाला तो सबसे खूबसूरत मानते हैं। आपने आसान कर दिया पहले ही। That's true. कोई एक ऐसा एक्टर जो सबको पसंद हो? मुझे तो दिलीप कुमार से लगा कोई। For me it was always my dad. For me my dad. इसमें भी कॉमन नहीं हुआ। No, Dilip saab is very good. I mean, I don't deny that he's very good. But for me, but I dad could, is yeah, I couldn't see beyond my dad. Method acting है, लेकिन उसमें वो जान डाल देते हैं, soul डाल देते हैं. Dilip uncle is a very good. He's a very good actor. But for me, nothing beyond my dad. I think he's the most versatile, most amazing actor our industry has ever had. ये बातें असल में ये इतने सारे दौर की बात हो जाती है ना कि endless हो सकती है. लेकिन एक कुछ सवालों के साथ मैं अंत करूँगी. क्या सबसे ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग किसकी है आप तीनों में? आई थिंक पापा इज़ ओनली आज के दौर में मेल फीमेल दोनों अभी भी इनके ही फैंस और कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है इस बात पर? इसमें कोई डिसएग्री नहीं कुछ है। इतना समय आपने बिताया है फिल्म इंडस्ट्री में लगभग हर तरह का रोल, और अब एक शायर में तब्दील होते हुए भी आपको देख रहे हैं, जो आपके दिल में रहा होगा लेकिन जुबान पर अब आ रहा है वो शायर. कुछ ऐसा जो आप सोचते हैं कि मैं कर अभी और भी फिल्में इस तरह की करनी है? शीता जिस दिन ये मैं सोच लूंगा ना तो उस दिन जिंदगी रुक जाएगी. आई हैव येट टू गिव समथिंग, आई हैव येट टू डू समथिंग, समथिंग वेरी क्लोज टू लाइफ, समथिंग वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ पीपल, जो लोगों के दिलों के करीब हो. ऐसा कुछ रोल कर जाऊं तो उसकी तमन्ना, उसकी हसरत है. आपने वो मंत्र दिया है बिना पूछे, आपने वो मंत्र दिया है कि आपसे उम्र पूछने की कभी किसी को जरूरत ही नहीं. आपकी उम्र भाई 25 से 28 के बीच ही रहेगी क्योंकि अभी सब कुछ करना बाकी है. सब थोड़ा कम बोल दिया. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को और ये परिवार ऐसे ही बना रहे एक मिसाल के तौर पर पूरे सभी लोगों के लिए. बहुत जरूरी है ये संस्कार, बहुत जरूरी. इंटरव्यू करते बहुत अच्छा लगा मुझे भी. आप भी इसी तरह खुश रहिए. आपको देखता हूँ, यू आर एन एडवेंचरस एंड इंटेलेक्चुअल, एवरीथिंग इज देयर. थैंक यू. जीते रहो, खुश रहो. बहुत प्यारा, बहुत धन्यवाद. तो ये थी आज की मुलाकात. अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से फिर करेंगे सीधी बात. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक. लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.